मैं विमल नागनपुरिया संतोष जी के दूसरे फार्म पर। यहाँ पर आप जो इक्विपमेंट देख रहे हैं ये पूरा इक्विपमेंट नागनपुरिया पोल्ट्री इक्विपमेंट्स का है। इसमें ऑटो फीडिंग सिस्टम, ऑटो निप्पल सिस्टम एंड सीलिंग सिस्टम है। इसमें हम आज बात करेंगे संतोष जी के मुख्य यहाँ पर जो मैनेजर है, मुख्य किरदार है इस फार्म का, उनसे, और हम उनसे बात करेंगे कि वो फार्म को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, और जो छोटी छोटी चुनौतियां हैं पोल्ट्री फार्मर्स के सामने, उन सब चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। नमस्कार पवन जी, कैसे हैं आप? अच्छा पवन जी, जैसे आप ये पूरा फार्म संभालते हैं, दोनों फार्म संभालते हैं, लगभग 32 से 35 हज़ार बर्ड की फार्मिंग है, इसमें मोर्टिलिटीज होती है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो कैसे आप डिफाइन करते हैं, और ये सारी चीजों को कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा कि पोल्ट्री फुल्ली मैनेजमेंट के ऊपर चलता है। आपका अगर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे अभी के डेट में फार्म के ऊपर इकोलाई, सीआरडी साधारण बीमारी है, ठीक है, अपन उसको स्पेस मैनेजमेंट, लीटर ठीक कर रख करके, अमोनिया फॉर्मेशन फार्म के अंदर कम करके कंट्रोल कर सकते हैं। आज के डेट में पोल्ट्री का सबसे बड़ा जो डिजीज है तो इकोलाई शुरू से रहा है और आज भी वही है। इकोलाई को अगर आप ठीक करना चाहते हैं कि मेरे फार्म पे इकोलाई ना आए, तो सबसे पहले स्पेस आपको देखना होगा। हमारे फार्मर भाई स्पेस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, एक तरह से कहा जाए स्पेस देने का जो तरीका होता है उनका वो प्रॉपर नहीं होता है, जो एक स्ट्रक्चर के अनुसार चलना चाहिए वैसा नहीं चलते। एक वहाँ से इकोलाई अगर हमारे फार्म पे आता है तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी बीमारियों को वो ले कर आता है। इकोलाई आएगा तो उसका रेस्पिरेटरी डिजीज भी आना ही आना है, तो उस सब सारे चीज़ों का जड़ वहीं से शुरुआत होता है। उसका मैनेजमेंट को लेकर के आप सबसे पहले ब्रूडिंग टाइम से, डे वन आपका रियल ब्रूडिंग स्पेस क्या होना चाहिए उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम इस फार्म से और ओपन फार्म दोनों तरह का, अभी इसी फार्म तो बहुत कम है, ओपन फार्म में हम लोग कर रहे हैं, तो ओपन फार्म में 0.25 स्क्वायर फीट पर बर्ड हम लोग स्पेस देते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। इसका स्पेस जो है 0.15 से शुरू होकर के धीरे धीरे डे टू डे हम लोग बढ़ते जाते हैं, एक स्ट्रक्चर के अनुसार बढ़ते जाते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम मैनेजमेंट रखते हैं, मैनेजमेंट करके रखते हैं, तो इकोलाई तुम्हारा नहीं आने का संभावना होता है, क्योंकि अब तो इकोलाई का मेडिसिन भी बंद हो चुका, तो मैनेजमेंट ही अब हमारे पास एक उपाय है जिसके सहारे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस फार्म में जो मोर्टिलिटीज होती हैं, जैसे डे वन से ब्रूडिंग में मोर्टिलिटीज होना, फिर 10 दिन के बाद में फिर मोर्टिलिटीज होना, उसके फिर 10 दिन बाद फिर मोर्टिलिटीज होना, तो ये क्या क्या डिसेस हैं जो कि सामने फार्मर फेस करता है, और जो आपका एक्सपीरियंस बोलता है कि पहले क्या, फिर सेकेंड में क्या ध्यान देना चाहिए, थर्ड वीक में क्या ध्यान देना चाहिए, फोर्थ वीक में क्या ध्यान देना चाहिए? पहले वीक में जो हम अपन लोग ब्रूडिंग करते हैं, ब्रूडिंग प्रॉपर होना चाहिए, जो टेम्परेचर बोला जाता है टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, स्पेस मैनेजमेंट होना चाहिए, ये दो चीज अगर हम कर लेते हैं तो आगे मेरी परेशानी बहुत कम हो जाएगी। सिर्फ दाना और पानी खिलाने का जिम्मेवारी ढंग से रह जाता है। अगर ये शुरू का प्रॉपर 8 दिन ब्रूडिंग पीरियड जो 8 दिन का होता है वो अगर हम नहीं कर पाते हैं तो मेरा ये 35 दिन का जो टाइम पीरियड है वो खराब हो जाता है। अच्छा, मतलब पोल्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी ब्रूडिंग का ही महत्व है। अगर आपने ब्रूडिंग अच्छे से कर ली, अगर आपने आपका बेस मजबूत कर लिया, तो आगे जो आने वाले 40 दिन है वो अच्छे हंसते खेलते गुजर जाएंगे। ऐसा जैसे मान के चलिए कि फार्मर जो हीट स्ट्रोक से परेशान है, इकोली से परेशान है, सीआरडी से परेशान है, सीसीआरडी से परेशान है, तो इनको शुरू में ही कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जहाँ तक रोकने का बात है, अगर हम फर्स्ट वीक, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ब्रूडिंग मैनेजमेंट टॉप क्लास का अगर आप कर लेते हैं तो बाकी समय में नहीं आप परेशान होंगे। तो ब्रूडिंग के समय आपका डे टू डे, हम लोग अमूमन वजन तो करते नहीं हैं, 8 दिन के बाद एक बार वजन लिए, मालूम चला कि हमारा वजन मेरे हिसाब से नहीं आया है, और आप डे टू डे वेट कीजिए, समझिए दिक्कत कहाँ पे है, मेरा फिट नहीं ले रहा है चूजा, दाना नहीं ले रहा है, पानी नहीं ले रहा है,
या स्पेस जो हमारा कहता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से कहता है, उसको हम पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। पानी का बर्तन मेरा किस हिसाब से लगा हुआ है, चूजे के हिसाब से है कि नहीं है, दाना चूजा को खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ब्रूडिंग के समय हम लोग पेपर फीडिंग कराते हैं, बर्तन उतना अवेलेबल नहीं रहता है, तो पेपर फीडिंग फार्मर एक बार दिन में डाल देता है, दोपहर में आया एक बार डाल दिया, शाम में डाल दिया, नहीं, उसे बार बार खिलाइए जब तक वो पूरी तरह से उसका कहा जाता है पोल्ट्री भाषा में प्रॉपरली। अगर क्रॉप फीडिंग हम दूसरे दिन तक 100% नहीं कर पा रहे हैं, 100 नहीं तो 80% तो जरूर करें। अगर मेरा बर्ड चूजा जो है दूसरे दिन तक 80% फीड उठाने में सक्षम हो गया, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रूडिंग के समय आप जितना ध्यान दे सकते हैं आप वहाँ लगाइए। तो सबसे मोटा मोटा ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पोल्ट्री फार्मर में ब्रूडिंग का महत्व तो बहुत ज्यादा है। अगर आपका एक बार बेस बिगड़ा तो आप 40 दिन तक बिगड़ते 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 चले जाएंगे। आपको सबसे ज्यादा ध्यान ब्रूडिंग में देना है। चलिए हम डॉक्टर साहब से एक और बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, आप इस ईसी फार्म दोनों फार्म को मैनेज कर रहे हैं, आपको नॉर्मल फार्म और ईसी फार्म में क्या फायदा लगा और किस तरीके से आप उसको देखते हैं? जैसे अभी समर का सीजन है, ठीक है ना, अभी ओपन फार्म में जाएंगे तो हीट मेंटेन करने के लिए साइड में कॉटन लगाएंगे, उसमें बार बार पानी डालना होगा जो प्रॉपर नहीं हो पाता है, मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और उसके चलते हमारा जो ब्रूडिंग टाइम है जितना होना चाहिए वो सफल नहीं होता है। लेकिन इसी फार्म में क्योंकि सारा चीज हम मैनेज करके दे पाते हैं, 100% दे पाते हैं, जो उनका टेम्परेचर होता है, जो इम्यूनिटी होता है, अमोनिया जो बनता है फार्म के ऊपर, ये सारा चीज इसी फार्म में कंट्रोल करके हम चूजे को 2400 घंटे दे पाते हैं, तो हमारा ब्रूडिंग अच्छा होता है। तो जब ब्रूडिंग अच्छा होता है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें हमारे फार्मर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी है ना। उम्मीद है कि आपसे और हम छोटे छोटे चीज़ों पर शॉर्ट्स बनाते रहेंगे यूट्यूब पर। तो भाई साहब, ये है एक हमारा एक संतोष जी का बहुत ही अच्छा एक छोटा फार्म है और बड़ा फार्म उधर है, ये पूरा ऑटोमेटिक वेल मेंटेन फार्म है, यहाँ पर ही ये मैनेजमेंट करते हैं सारा का सारा। लिंक आपको इस फार्म के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो भी कुछ डाउट है बिहार से, जो भी आसपास के हैं नालंदा एरिया के, वो डायरेक्ट इनके फार्म पर पहुंच करके और आप अपने हिसाब से इनसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू, मैं विमल नागनपुरिया, नागनपुरिया पोल्ट्री इक्विपमेंट से। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।